सेल्स एंड सपोर्ट। मुझे पता है बहुत सारे को पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे को पसंद भी है। और एक बताऊं आपको, बिना सेल्स और सपोर्ट का कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर आपको नॉन कोडिंग जॉब चाहिए आईटी कंपनी में, अगर आपको सेल्स में मजा आता है, सेल्स इज नॉट इक्वल टू भाई जो गंजा है जिसके बाल नहीं है उसको आपने कंघी भेज दिया, वो सेल्स नहीं है। सेल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, कुछ भी चिपका हुआ मत भाई वो सेल्स नहीं है। सेल्स का मतलब होता है आपके पास जो प्रोडक्ट है, मेरे मायने में भाई, अब सब कंपनी का अलग डेफिनेशन है, उसके बारे में क्लाइंट को अच्छे से समझाना, उसके प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग करवाना, उससे क्या हो, क्लाइंट को अगर नीड होगा प्रोडक्ट का तो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, आपको सेल्स हो जाएगा और आपको कमीशन भी कभी कभी मिलता है, सैलरी तो मिलता ही मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, तो भाई फायदा हो गया ना। सेल्स में अगर आपको आता है लोगों को बताना, कन्विंस करना टाइप ऑफ बोल सकते हो, ज़्यादा कन्विंस नहीं, ज़्यादा तो बताना होता है टेक्नोलॉजी क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं, समझाना होता है, तो सेल्स इज वेरी गुड फॉर यू, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए काफ़ी अच्छा फील लगता है बिकॉज इसके बिना मार्केट में कंपनी रहेगा। और एक खास बात, इंडिया में कोई सेल्स नहीं करना चाहता है, बहुत कम लोग पसंद करते हैं ये काम करना। तो आप अगर जाओगे बाय पैशन तो आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हो, इसमें लिमिट नहीं है पैसे कमाने का भाई, बिकॉज अच्छा सेल्समैन बहुत कम है मार्केट में। जैसे अच्छे टीचर मार्केट में क्या है, कम है। आप किसी भी कॉलेज में स्कूल में जाओ देखेंगे आप 10-20% टीचर क्या है आपका, बाय पैशन आते हैं, बाकी सारे फोर्सफुली आते हैं मैक्सिमम, आप देखे होंगे शायद, समझ रहे हो। तो सपोर्ट भी क्या है आपका, एक तरह का कोई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर दे दिया भाई, सपोर्ट टीम चाहिए, उसमें कोडिंग या मिनिमम कोडिंग का नीड होता है, टेक्निकल सपोर्ट बोलेंगे उसको, उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें पैकेज ठीक ठाक मिलता है। और सपोर्ट के बिना मार्केट नहीं बनेगा। अच्छा बोल रहे हो AI खा जाएगा सपोर्ट को, भाई वो बहुत दूर है, अभी कुछ नहीं होता, मैंने AI बहुत यूज़ कर लिया, देख लिया।